सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स प्रॉपर्टी मॉल और आज आपको दिखाते हैं एक सुंदर स्पेशियस टू बी के जैसे हम इंटर करेंगे तो सामने वॉल के साथ ही सोफा लगा है और ये कॉर्नर के ऊपर एलईडी पैनल के साथ डिजाइनिंग की गई है और गेट के बिल्कुल साथ ही ये कॉर्नर है और यहाँ पे बहुत सारी स्पेस है जो यूटिलाइज़ की जा सकती है और ऊपर फॉल सीलिंग है पंखा है झूमर है ये हर चीज़ बाकमाल है और सोफ़ा जो है किंग साइज़ का है बहुत बड़ा फ्लफ़ी सोफ़ा है और ये कॉर्नर में खास करके पास में जाके दिखाते हैं कि यहाँ पे स्टोरेज भी है एलईडी पैनल में और ये जो स्टैंड है इसके अंदर मोर और बहुत सारी मूर्तियाँ रखी हुई हैं ये भी बहुत सुंदर लग रही है तो ये डिज़ाइनिंग आपके लिए की गई हैं और बहुत ही खूबसूरत है जैसे ही आप आओगे आपको देखते ही पता लगेगा और ये सोफ़ा है बहुत बढ़िया है पीछे वॉलपेपर है और ये एक पूजा के लिए मंदिर बना दिया है यहाँ पे जो कि सोफ़े के बिल्कुल साथ में है वॉलपेपर पीछे बहुत सुंदर लगा हुआ है गोल्डन शेड का और ड्राइंग डाइनिंग के अंदर दो पंखे हैं डिजाइनर पंखे हैं और डाइनिंग टेबल पड़ा हुआ है और जैसे ही हम ये पूजा वाला जो हमारा प्लेस है यहाँ पे गणेश जी की प्रतिमा लगी हुई है और नीचे स्टोरेज के लिए बॉक्सेस दिए गए हैं ये स्टोरेज है तो ये आपने देखा यहाँ पे बहुत सुंदर डाइनिंग टेबल ये और पीछे ये जो मिरर है ग्लास है इसके जो पत्ते लगे हुए हैं वो गोल्डन शेड के हैं और यहाँ पे स्टैंड है कैंडल लाइट डिनर के लिए कैंडल्स लगी हुई हैं और ये बड़ा शाइनिंग मार्बल का टेबल है जो डाइनिंग टेबल है और ये सिक्स सीटर है बहुत ही खूबसूरती से ये कैंडल्स यहाँ पे लगाई गई हैं और इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे किचन है और ये जो किचन है ये बहुत बिल्कुल इसके सामने फॉल सीलिंग है हैंगिंग लाइट हैं और चार लाइट साइड पे लगी हुई हैं और बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ये जो ड्रॉज बने हुए हैं ये मार्बल लगा हुआ है यहाँ पे और बढ़िया क्वालिटी का हर सामान लगाया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं अब सिंक भी है वो जो नॉइस नहीं करते हैं वो वाले सिंक है ऊपर यहाँ स्पेस काफ़ी है ट्रे है जो वेट बर्तनों के लिए गिरे बर्तनों के लिए ट्रे है यहाँ पे स्टील की ये देख सकते हैं आप और ऊपर चिमनी के लिए यहाँ पे पॉइंट दिया गया है ताकि यहाँ से डक्ट बाहर जाएगी और यहाँ से व्यू भी है बाहर का बाहर कौन आ जा रहा है और सामने यहाँ पे डाइनिंग टेबल है खाना ताज़ा ताज़ा बना के आप सर्व कर सकते हैं बिल्कुल सामने और उधर गेस्ट आके बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है अब दो रूम हैं लेफ्ट और राइट तो पहले रूम नंबर वन में चलते हैं यहाँ बेड के साथ ये एल पैनल का नीचे स्टोरेज दी है कारपेट बिछाया हुआ है और बेड लगा के आपको स्पेस दिखाई गई है कितनी स्पेस यहाँ पे बचती है ये ड्रॉ है नीचे दोनों तरफ और इसके अंदर काफ़ी डीप स्टोरेज है और इस तरफ हमारा स्पेस बची हुई है पीछे गोल्डन कलर का हमारा वॉलपेपर है एसी है पेंटिंग लगाई है ऊपर डिज़ाइनर पंखा है एलईडी है और डाउन सीलिंग है ये सब कुछ आप देख रहे हैं और बेड बिल्कुल सेंटर में लगाने के बाद दोनों तरफ यहाँ पे स्पेस बची हुई है और ये कबड़ है ये फुल लेंथ नहीं है लेकिन इसको फुल लेंथ करवा सकते हैं अटैच वॉशरूम है डार्क ग्रे कलर की यहाँ पे टाइल्स हैं। असेसरीज काफ़ी अच्छी क्वालिटी की लगी हुई हैं और बिल्कुल रेडी है और ये जो टाइल्स हैं ये डार्क लगाई हैं ताकि मिट्टी ज़्यादा शाइन ना करे और अब अंदर से बाहर देखते हैं वॉश बेसिन और ये पंखा आप देख रहे हैं डिज़ाइनर और ये स्पेस जो है बेड और एलईडी पैनल के बीच में है तो मूविंग स्पेस काफ़ी ठीक ठाक है यहाँ पे पेंटिंग काफ़ी खूबसूरती से डिज़ाइन की गई है ये रूम नंबर टू है अब इसमें भी पंखा देख रहे हैं डिज़ाइनर और यहाँ से रास्ता है पीछे जाने के लिए वॉशिंग के लिए तो ये पंखा और ए और यहाँ पर भी कबड़ दी गई हैं बेड के साथ में और इस तरफ एलईडी पैनल है जैसे दूसरे कमरे में था इस तरफ भी है और जो दरवाजे हैं वो सात फिट के हैं और अटैच वाशरूम है ये रूम नंबर टू का वाशरूम है और हैंडल खास करके यहाँ पे लेटेस्ट क्वालिटी के लगाए हुए हैं और फिटिंग जो है बढ़िया क्वालिटी की लगी हुई है टाइल्स सेम ग्रेनाइट वाली शाइनिंग वाली है और शावर भी अच्छी क्वालिटी का लगाया हुआ है अब ये पीछे वॉशिंग एरिया है यहाँ पे एक टैब दी गई है यहाँ पे इसमें वॉशिंग मशीन है और ये वॉशिंग मशीन का पॉइंट है ये दो यूनिट हैं यहाँ पे सप्लिट ए के एक तीसरा यूनिट है यहाँ पे तो अगर हमने ड्राइंग रूम दोनों बेडरूम में एसी लगाने लगा रहे हैं तो ये पीछे हमारे यूनिट आ जाएंगे सप्ल्ट ए के को दिखाया टू बी एच के स्पेशस टू बी के है ये और यहाँ पे गेटेड सोसाइटी के अंदर पाँच के आसपास फ्लैट्स बन रहे हैं लॉन्ट्रा रोड जो है उसके बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ये प्रोजेक्ट है यहां पे आपको वन बी एच के टू बी एच के थ्री बी एच के सब मिल जाएगा यहां पे आपको आसपास कोठियां भी मिल जाएंगी प्लॉट भी मिल जाएंगे और अगर आप सब घूमोगे तो आप जो ढूंढने आए हैं उसमें से कुछ ना कुछ आपको जरूर पसंद आ जाएगा स्क्रीन पे नंबर चल रहा है आप कॉल करके आएंगे तो हम आपको वेरीफाइड प्रोजेक्ट दिखाएंगे यहाँ पे काफ़ी इनलीगल एरियाज भी हैं और काफी ऐसे एरिया हैं पे जहाँ पे डिस्प्यूट चल रहे हैं जहाँ पे एक ही फ्लैट को एक ही प्लॉट को दस लोगों को बेचा जा चुका है ऐसे भी एरिया इस इलाके के आसपास है तो कहीं आप वहां ना फंस जाए इसीलिए आप हमारे नंबर पर कॉल करके जब आएंगे तो हमारी टीम आपको हंड्रेड वेरीफाइड चीजें ही दिखाएगी इसके अलावा हम तेईस चौबीस पच्चीस दिसंबर को चंडीगढ़ के सेक्टर चौंतीस के ग्राउंड के अंदर एक एग्जीबिशन कर रहे हैं जिसके अंदर एक ही जगह पे आपको 200 प्लस ब्रांड मिल जाएंगे उसमें जीरकपुर के ब्रांड्स भी होंगे मोहाली के भी होंगे खरड़ के होंगे कुरहाली के होंगे न्यू चंडीगढ़ के बनूड के सारे एरिए के होंगे वहां पे आपको पांच लाख के प्लॉट वाले भी मिल जाएंगे लीगल वेरीफाइड और वहां पर आपको एक करोड़ का फ्लैट भी मिल जाएगा तो जहां पर आपको दो ब्रांड एक ही जगह मिले ऐसी जो ऑप्शन है वो कम मिलती हैं अगर आप कहीं से भी हैं मोहाली के बाहर से हैं या मोहाली से हैं तो अगर आप वो तीन दिन की इवेंट में किसी भी एक दिन आओगे तो 200 सौ लोकेशन पे जाने की जरूरत नहीं होगी 200 सौ लोकेशन पे काम करने वाले ब्रांड आपको एक ही जगह मिल जाएंगे और उनमें से कुछ जो शॉर्टलिस्ट होंगे वो आप जाके सिर्फ पर्सनली विजिट कर सकते हैं और उस दिन हम रियल स्टेट अवार्ड्स भी देने जा रहे हैं वो मिलेंगे उन लोगों को उन बिल्डर्स को जो अच्छा काम किया है जिन्होंने दो के अंदर और पंजाब के मिनिस्टर वो अवार्ड्स देंगे तो हम प्रॉपर्टी अपडेट्स न्यूज चैनल भी हैं और हम इलीगल्स प्रॉपर्टीज के बारे में बताते हैं और जो कानूनी दाव पेंच है जिसके अंदर लोग फंसे हुए हैं उसको निकालने की भी कोशिश कर रहे हैं गाइडेंस भी दे रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हम अपने लेवल पे जितना भला कर सकते हैं करने की हम कोशिश कर रहे हैं तो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है अगर आप प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं तो इस नंबर पे कॉल करके मल्टीपल ऑप्शन के लिए हमें कॉल करें हमारी टीम आपके लिए एवरी डे वर्किंग है कोई छुट्टी नहीं है एवरी डे साढ़े दस से साढ़े छः हमारा ऑफिस है जीरकपुर पट्याला रोड के ऊपर और सरीन क्लेव गोपाल स्वीट के सामने दोनों जगह हमारा ऑफिस है आप किसी भी दिन आ सकते हैं उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके काम की होगी आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले बार एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ